समस्तंकु शुभ दिन। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती। मु आशा करुछि कि तुम्हें राइटर रो बेसिक अध्याय जहाँ कि राइटर वन एवं राइटर टू बहुत भल भावरे शिखिगल एवं वर्तमान तुम्हें माने समस्ते राइटर वन एवं राइटर टू अध्याय परीक्षा पास कर सारिबा परे एही अध्याय रे पहुँचिल। एही भागटी राइटर रो एडवांस भाग अटे। एही भागरे तुम मानंकु राइटर रो एडवांस ऑप्शन गुड़िक विषय रे सिखा जिवो। तुम समस्तंकु एही भागरे जहाँ सबु पढ़ा जिवो ताहाकु संपूर्ण ध्यान दे पढ़िबाकु हेबो। एहा राइटर रो बहुत गुरुत्वपूर्ण भाग अटे। आस प्रथमे किछि ऑप्शन गुड़िकर अभ्यास करिनेबा जहाँ आमे राइटर वन एवं राइटर टू रे सिखिथिलु। कौन तुम्हें कही परिबो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग रो व्यवहार काहीं की करा जाए? डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग गोटिए एमिती ऑप्शन अटे जहाँ व्यवहार करी तुम्हें जेकोनसी पाराग्राफ किंबा टेक्स्ट रे करिथिबा जेकोनसी फॉर्मेटिंग को हटाई परिबो एवं ताहाकु नॉर्मल व्यू को फेराई आनी परिबो। कौन तुम्हें कही परिबो आमे टेबल रे स्प्लिट सेल ऑप्शन रो व्यवहार काहीं की करी थाउ? टेबल रे तुम्हें गोटिए सेल रो किंबा कॉलम को गोटिए भागरु अधिक भागरे भाग करिबा पई स्प्लिट सेल ऑप्शन रो व्यवहार करी परिबो। कौन तुम्हें कही परिबो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन रो व्यवहार काहीं की करा जाए? फाइंड ऑप्शन द्वारा तुम्हें तुम्हारे डॉक्यूमेंट रे जेकोनसी शब्द को खोजी परिबो एवं रिप्लेस सहाय्य रे तुम्हें तुम्हारे इच्छा अनुसार से ही शब्द को आउ गोटे शब्द द्वारा रिप्लेस करी परिबो। चेंज केस ऑप्शन रो व्यवहार काहीं की करा जाए? चेंज केस ऑप्शन रो सहाय्य रे तुम्हें तुम्हारे लाइन किंबा पाराग्राफ को कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल एवं टॉगल को परिवर्तन करी परिबो। कौन तुम्हें कही परिबो स्टैंडर्ड टूल बार कौन अटे? स्टैंडर्ड टूल बार गोटिए एमिती टूल बार अटे जेउथिरे बारंबार व्यवहार होउथिबा मेनूर ऑप्शन गुड़िक रही थाए एवं आमे ताहाकु शॉर्टकट भाबरे व्यवहार करिथाउ। कौन तुम्हें कही परिबो हाइपरलिंक कौन अटे एवं आमे हाइपरलिंक फाइल को केमिति ओपन करिबा? हाइपरलिंक गोटिए एमिती ऑप्शन अटे जहाँ कि तुमको तुम्हारा जेकोनसी फाइल को तुम्हारा वर्तमान पेज रे लिंक करिबा पाई सहाय्य करिथाए एवं हाइपरलिंक रो व्यवहार करी तुम्हें सही फाइल गुड़ी को ओपन करी परिबो एवं काम मध्य करी परिबो। राइटर पेज रे काम करथिबा समय रे मध्य तुम्हें हाइपरलिंक रो फाइल को ओपन करी परिबो। एथि पई तुम्हें बाम हाथर गोटिए आंगुली रे कंट्रोल बटन को दबाई रखिबो एवं ता परे माउस किंबा टचपैड रो बाम पाख बटन को दबाइबो। एहा द्वारा हाइपरलिंक फाइल ओपन होई जिवो। वर्तमान तुम्हें तुम्हारा कंप्यूटर को स्विच ऑन करो एवं तुमको सिखा जाइथिबा जेकोनसी माध्यम रे राइटर रो फाइल को ओपन करो। आसो वर्तमान आजिरो क्लास आरंभ करिबा। आसो प्रथमे जानिबा आजि आमे कौन सिखिबा। आजि तुम्हें जहाँ सबु सिखिबो ताहा हैला आमे स्टैंडर्ड टूल बार व्यवहार किपरी करिबा। आमे बैक स्पेस एवं डिलीट की
काहीकि व्यवहार करू? तुम्हें स्टैंडर्ड टूल बार किछि ऑप्शन गुड़िक विषय शिखिब, जेमिती कि न्यू, सेव, ओपन, ईमेल एज डॉक्यूमेंट, हाइपरलिंक एवं इंडेट विषय शिखिब। तापरे तुम्हें स्टैंडर्ड किंबा फॉर्मेटिंग टूल बार को केमिति लॉक किंबा अनलॉक करा जाए ताहा मध्य शिखिब। प्रथमे तुम्हें समस्ते तुमको देखा जाइथिबा पाराग्राफ को टाइप करो। कौन तुम्हें माने समस्ते पाराग्राफ को टाइप करी देलो? तापरे तुम्हें जाओ एवं एही पाराग्राफ रे किछि फॉर्मेटिंग करो। आस वर्तमान स्टैंडर्ड टूल बार रो किछि ऑप्शन गुड़िक विषय रे गोटिए गोटिए करी जानिबा। कौन तुम्हें कही पारिबो स्टैंडर्ड टूल बार कौन अटे? स्टैंडर्ड टूल बार गोटिए शॉर्टकट माध्यम अटे जेउथिरे मेनू बार रो किछि ऑप्शन को तुम्हें सीधा सळख ताहा उपरे क्लिक करी व्यवहार करी पारिबो। तुम्हें मध्य ताहाकु तुमर आवश्यक अनुसार से ही स्टैंडर्ड टूल बार को कस्टमाइज करी पारिबो। कौन तुम्हें कही पारिबो स्टैंडर्ड टूल बार केउठारे रही थाए? तुमको आगरे देखा जाइथिबा गोटिए चित्र रे स्टैंडर्ड टूल बार को लाल कलर रे देखा जाइछि। तापरे तुम्हें स्टैंडर्ड टूल बार रे थिबा विभिन्न प्रकार आइकन गुड़िक विषय रे शिखिबो। आस वर्तमान स्टैंडर्ड टूल बार द्वारा सेव ऑप्शन विषय रे शिखिबा। वर्तमान जाओ एवं स्टैंडर्ड टूल बार रे थिबा शॉर्टकट आइकन साहाज्य रे तुमर फाइल को सेव करो। जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे तुमे एही वीडियो को देखि सिखो। वर्तमान फाइल को सेव करिबा पई प्रथमे तुमर कर्सर को नियो एवं सेव ऑप्शन उपरे गोटिए थरो क्लिक करो। एहा परे तुम आगरे गोटिए बॉक्स ओपन हेबो जेउथरे तुमे देखि पारिबो विभिन्न प्रकार ऑप्शन रहिछि जेउठारे तुमे तुमर फाइल को सेव करि पारिबो, जेउ परे कि डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट। उपरे एठारे ड्रॉप डाउन आइकन उपरे क्लिक करी मध्य तुमे याकु सिलेक्ट करी पारिबो। एबे डेस्कटॉप को क्लिक करो। एहा परे एठारे फाइल नेम जगारे तुमे तुमर फाइल रो नाम लेखि पारिबो, जेउ भली वर्तमान वीडियो रे कंप्यूटर शिक्षा टाइप करा जाइछि। एहा परे एठारे तळे थिबा सेव ऑप्शन उपरे गोटिए थरो क्लिक करो। एहा द्वारा तुमर फाइल सेव होइ जिवो एवं तुमे देखि पारिबो तुमर फाइल रो नाम मध्य एठारे आसी जाइछि। एही बळी भाबरे तुमे सेव ऑप्शन रो व्यवहार करि पारिबो। तुमको आगरे देखा जाइथिबा चित्र रे गोटिए ऑप्शन को लाल कलर रे देखा जाय अछि ताहा न्यू ऑप्शन अटे। स्टैंडर्ड टूल बार को व्यवहार करी तुम्हें गोटिए नुआ पेज केमिति आनिबो देखाओ। जदि तुमको एथिरे किछि असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देखो। गोटिए नुआ राइटर फाइल ओपन करिबा पई प्रथमे तुमर कर्सर को स्टैंडर्ड टूल बार रो न्यू आइकन पाखो को नियो एवं एहा उपरे लेफ्ट क्लिक करो। तुम्हें देखि पारिबो एठारे ओपन ऑफिस रो विभिन्न प्रकार ऑप्शन रहिछि। जेहेतु आमे राइटर फाइल को ओपन करिबा तेणु तुम्हें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उपरे क्लिक करो। एहा द्वारा गोटिए नुआ राइटर फाइल ओपन होइ जिवो। तापरे तुम्हें स्टैंडर्ड टूल बार रो डॉक्यूमेंट एज ईमेल ऑप्शन विषय रे शिखिबो। कौन तुम्हें कही पारिबो डॉक्यूमेंट एज ईमेल ऑप्शन द्वारा
कौन होई थाए डॉक्यूमेंट एज ईमेल ऑप्शन रा व्यवहार द्वारा तुम्हें तुम्हारा जे कोनसी डॉक्यूमेंट को सीधा सळख राइटर फाइल ले अटैच करि पाइबो एवं ताहाकु तुम्हें ईमेल द्वारा अलगा यूजर पाखकु पठाई पारिबो एवं तुम्हें सही फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट रे मध्य पठाई पारिबो। आसो वर्तमान एही वीडियो को देखिबा एवं डॉक्यूमेंट एज ईमेल द्वारा केमिति मेल पठा जाए ताहा सिखिबा। वर्तमान डॉक्यूमेंट एज ईमेल ऑप्शन रो व्यवहार करिवा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर को स्टैंडर्ड टूल बार थिबा डॉक्यूमेंट एज ईमेल आइकन पाखो को नियो एवं गोटिए थरो क्लिक करो। एहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो गोटिए पेज ओपन हेबो जाकी मेल रो पेज ओपन हेबो जेउ थिरे तुम्हें देखि परिबो तुम्हें ओपन करथिबा फाइल टी सेठारे अटैच्ड फाइल हिसाब रे आसी यी छी एवं टू जगह रे तुम्हें जहांकु एही फाइल टी को पठाय पय चाहू छ तांकर मेल आईडी एठारे टाइप करि परिबो जेउ भली वर्तमान एठारे वीडियो रे टाइप करा जाय छी गोटिए मेल आईडी एही भली भाबरे तुम्हें जहांकु पठाय पय चाहू छ तांकर मेल आईडी एठारे टाइप करिबो। यहाँ परे तुम्हें सब्जेक्ट दे परिबो एवं अटैच्ड फाइल ले तुम्हें देखि परिबो सही फाइल टी आसी जाय छी एवं तुम्हें चाहिले मेसेज रे मध्ये किछि लेखि परिबो ता परे एठार थिबा सेंड ऑप्शन उपरे गोटे थरो क्लिक करो। एहा द्वारा सही फाइल टी मेल आकार रे जहां को पठाय पय चाहुथिलो तांको पाखो को चली जिवो। परवर्ती ऑप्शन टी ओपन रो अटे कौन तुम्हें कही परिबो ओपन ऑप्शन द्वारा कौन होई थाए ओपन ऑप्शन सहाय्य रे तुम्हें पूर्वरु सेव होइथिबा फाइल को ओपन करि परिबो। तुम्हें ओपन ऑप्शन रो व्यवहार करि तुम्हारा कंप्यूटर रु जे कोनोसी फाइल को ओपन करि परिबो। वर्तमान तुम्हें तुम्हारा कंप्यूटर रे पूर्वरु सेव करिथिबा फाइल को केमिति ओपन करिबो देखाओ। जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे तुम्हें एही वीडियो को देख एवं सेथिरु सिखो। वर्तमान ओपन ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार थिबा ओपन आइकन पाखो को नै क्लिक करो। एहा द्वारा तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एठारे तुम्हें उपरे ड्रॉप डाउन आइकन रे क्लिक करी एठारे तुम्हारो फाइल केउठारे अछि खोजि परिबो किंबा एठारे थिबा ऑप्शन गुडी के मध्ये रु खोजि परिबो जे उपरे की डेस्कटॉप किंबा डाउनलोड जदि डेस्कटॉप रे अछि डेस्कटॉप को क्लिक करो। एहा परे तुम्हें एठारे स्क्रॉल बार को तळा को किंबा ऊपर को करी तुम्हारो फाइल को खोजि परिबो जे फाइल टी को तुम्हें ओपन करिबा पई चाहू छ ताको एठारे खोजि परिबो। एबे एठारे ए कंप्यूटर शिक्षा फाइल टी को सिलेक्ट करो जे भली वीडियो रे देखा जाय छी किंबा एठारे तुम्हें फाइल नाम दे मध्ये सर्च करि परिबो ता परे एठारे लेखा जायतिबा ओपन ऑप्शन उपरे गोटे थरो क्लिक करो। एहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा फाइल टी ओपन होई जाय छी। एही भली भाबरे तुम्हें ओपन ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो। कौन तुम्हें जानी छो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन द्वारा कौन होई थाए एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन द्वारा तुम्हें तुम्हारा फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट को परिवर्तन करि परिबो। तुम्हें तुम्हारा फाइल को गोटे थर पीडीएफ फाइल को परिवर्तन करि सारिबा परे तुम्हारा फाइल सुरक्षित होई जाय थाए एवं
ସେଥିରେ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ପିଡିଏଫ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ? ପିଡିଏଫ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପୋର୍ଟାବଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ। ଏବେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏଜ୍ ପିଡିଏଫ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମର କର୍ସର୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟୁଲ୍ବାର୍ରେ ଥିବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏଜ୍ ପିଡିଏଫ୍ ଅପ୍ସନ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଅ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଲେଫ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ। ଏଇଠାରେ ତୁମେ ତୁମର ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ପିଡିଏଫ୍ ଆକାରରେ କେଉଁଠାରେ ସେଭ୍ କରିବ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଏଇଠାରେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି, କିମ୍ବା ଏଇଠାରେ ଥିବା ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବ। ଏବେ ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଏଇଠାରେ ଫାଇଲ୍ର ନାମ ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଏଇଠାରେ ଥିବା ସେଭ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଫାଇଲ୍ଟି ପିଡିଏଫ୍ ଆକାରରେ ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ତୁମେ ମିନିମାଇଜ୍ କର। ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ଫାଇଲ୍ଟି ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ନାମ ଆକାରରେ ଏଇଠାରେ ସେଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ତୁମେ ଦୁଇଥର କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ ଓପନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ମଧ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏଜ୍ ପିଡିଏଫ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପ୍ସନ୍ ପେଜ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁର ଅଟେ। ଏହି ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ତୁମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରି ଦେଖିପାରିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ପେଜ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କେମିତି କରିବ ଦେଖାଅ। ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଜ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମର କର୍ସର୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟୁଲ୍ବାର୍ରେ ଥିବା ପେଜ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆଇକନ୍ ପାଖକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ପେଜ୍ଟି ପେଜ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆକାର ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏହା କିପରି ଦେଖାଯିବ। ଏଇଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଜ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ତୁମେ ଏଇଠାରେ ଯଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ ତେବେ ଏଇଠାରେ ତାହାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ବୁକ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଯଦି ତେବେ ତୁମର ପେଜ୍ ବୁକ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ କିପରି ଆସିବ ତାହା ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏଠାରେ ଜୁମ୍ ଇନ୍ କରୁଛ ଏବଂ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛ ତେବେ ଜୁମ୍ ଇନ୍ରେ ତୁମେ ପେଜ୍ର ସାଇଜ୍କୁ ବଡ଼ କରିପାରିବ, ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ରେ ପେଜ୍ର ସାଇଜ୍କୁ ଛୋଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପେଜ୍ର ସାଇଜ୍କୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ କରିପାରିବ। ଏବେ ଏଠାରେ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ର, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଏବଂ କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରହିଛି, କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁଟି କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ପେଜ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପ୍ସନ୍ ସ୍ପେଲିଂ ଏବଂ ଗ୍ରାମାର୍ର ଅଟେ। କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ସ୍ପେଲିଂ ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରାମାର୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସ୍ପେଲିଂ ଏବଂ ଗ୍ରାମାର୍ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଟାଇପ୍ କରିଥିବା ଶବ୍ଦର ସ୍ପେଲିଂକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ କୌଣସି ଭୁଲକୁ ସଠିକ୍ କରିପାରିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସ୍ପେଲିଂ ଏବଂ ଗ୍ରାମାର୍ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍
एंड ग्रामर ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुमे तुमरो राइटर फाइल रे किछि शब्द टाइप कर जहाकी भूल स्पेलिंग रे एवं ताहाकु स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन द्वारा ठीक करा जिवो। एबे इठारे वीडियो रे देखाई थिया बळी एठारे किछि शब्द टाइप करि परिबो जहाकी भूल स्पेलिंग दे जो भाई इठारे प्रथमे फर्स टाइप करा दैछि तुमे देखि परिबो जदि तुमे कोनोसी शब्द भूल टाइप करूछो ताहार तळे कोटिए लाल कलर रंगर लाल रंगर बंका लाइन आसी जिवो। सेई पळि आ गुटे शब्द लेखो नेशनल तापरे इंडिया तापरे ह्यूमन टाइप करो एवं तापरे इठारे कंप्यूटर टाइप करो एवं एही गुडी करो बनान तुमे देखि परिबो भूल अछि। एबे प्रथम शब्दटी को सिलेक्ट करो एहा परे स्टैंडर्ड टूल बारे थिबा लैंग्वेज स्पेलिंग एंड ग्रामर आइकन उपरे क्लिक करो तुमे देखि परिबो गोटे बॉक्स ओपन हेबो जेउथिरे प्रथम शब्दटी लाल कलर रे अछि ताहाकु परिवर्तन करिया पई एठारे तळे तुमे देखि परिबो सटीक शब्द किछि आसुछि एठारे स्क्रॉल बार को व्यवहार करी सटीक शब्दटी को बाछो तापरे चेंज ऑप्शन उपरे गोटे थरो क्लिक करो। एबे सही पर तुमे देखि परिबो परवर्ती ऑप्शन टी लाल कलर रे हाइलाइट होईछि एठारे सटीक शब्दटी को बाछो तापरे चेंज ऑप्शन उपरे गोटे थरो क्लिक करो। सही परी परवर्ती शब्दटी को बाछो सटीक शब्दटी को एवं चेंज ऑप्शन उपरे क्लिक करो। सही परी परवर्ती ऑप्शन पई एठारे तुमे ह्यूमन पई सटीक शब्दटी को बाछो एथि पई स्क्रॉल बार को व्यवहार करि परिबो तापरे चेंज ऑप्शन उपरे क्लिक करो। एबे सही परी कंप्यूटर पई सटीक शब्द एठारे तळे बाछो स्क्रॉल बार को व्यवहार करि परिबो एथि पई एवं तापरे चेंज ऑप्शन उपरे क्लिक करो। यहाँ परे जेहेतु यहाँ संपूर्ण होई जाइछि इठारे ओके उपरे क्लिक करो तुमे देखि परिबो तुमे तुमर फाइल ले टाइप करथिबा भूल शब्द गुड़िक एबे ठीक होई जाइछि। एही भली भाबरे तुमे स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो। वर्तमान तुमे कट कॉपी एवं पेस्ट विषय रे सिखिबो। कोन तुमे जानिछो एही तीनोटी ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार रे केउठारे रहिछि। तुमको आगरे दिया जाइथिबा चित्र रे एही तीनोटी ऑप्शन कट कॉपी एवं पेस्ट लाल कलर रे देखा जाइछि। वर्तमान तुमे पैराग्राफ को कॉपी एवं पेस्ट करिबा पई कॉपी पेस्ट ऑप्शन रो व्यवहार करो। जदि तुमको यह करिबा पई किछि असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सिखो। वर्तमान स्टैंडर्ड टूल बार रो कॉपी पेस्ट आइकन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुमे कॉपी करिया पई चाहुथिबा लाइन किंबा पैराग्राफ को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करिबा परे तुमे देखि परिबो स्टैंडर्ड टूल बार रे कॉपी करिबा पई जो आइकन रहिछि ता हाइलाइट होई जाइछि। एबे तुमे तुमार कर्सर को नै एहा उपरे गोटे थरो क्लिक करो जेउ भळे तुमे वीडियो रे देखि परुछो। एहा द्वारा तुमे सिलेक्ट करितिबा पैराग्राफ किंबा लाइन कॉपी होई जिवो। एबे तुमे जेउठारे पेस्ट करिया पई चाहुछो सेइठाकु तुमार कर्सर नै गोटे थरो क्लिक करो। एहा परे पेस्ट करिया पई जेउ आइकन रहिछि ता उपरे गोटे थरो क्लिक करो। एहा द्वारा तुमे देखि परिबो तुमे सिलेक्ट करिथिबा पैराग्राफ टी पेस्ट होई जिवो।
एही भाबरे तुम्हें कॉपी पेस्ट आइकन को व्यवहार करि परिबो एवं ता परे अधा पाराग्राफ को सिलेक्ट करो एवं ताहाकू कट करो एवं ता परे गोटिए नुआ पेज नियो एवं सही पेज रे सही पाराग्राफ को पेस्ट करो। जदि तुमको एहा करिबा पई किछि असुविधा हेउची तेबे एही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सिखो। वर्तमान कट पेस्ट आइकन को व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुमे अधा पाराग्राफ को सिलेक्ट करो जो भली वीडियो रे देखा जायची एभली भाबरे तुमे पाराग्राफ को सिलेक्ट करो एहा परे तुम्हारो कर्सर किंबा पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बारे थिबा कट आइकन पाखो को नियो एवं तहा उपरे गोटे थरो क्लिक करो। एहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा पाराग्राफ टी कट होई जाइछि तुम्हारा पेज रु। एबे तुम्हें गोटे नुआ पेज नियो एथि पई न्यू ऑप्शन उपरे गोटे थरो क्लिक करो। एहा परे एही थारे तुम्हें देखि परिबो गोटे नुआ राइटर रो फाइल आसी जाइछि एबे एही थारे पेस्ट करिबा पई पुनर्बार स्टैंडर्ड टूल बारे थिबा पेस्ट आइकन पाखो को तुम्हारा कर्सर नियो एवं गोटे थरो क्लिक करो। तुम्हें देखि परिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा पाराग्राफ टी एही थारे आसी जाइछि जेउ भळे तुम्हें वीडियो रे देखि परुछो। एही भळे भाबरे तुम्हें स्टैंडर्ड टूल बार रो कट पेस्ट आइकन को व्यवहार करि परिबो। ता परे तुम्हें अंडू एवं रेडो ऑप्शन रो व्यवहार किपरि करिबो देखाओ एवं जदि तुमको किछि असुविधा हेउची तेबे एही वीडियो को देखो। वर्तमान अंडू एवं रेडो आइकन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हें तुम्हारा पाराग्राफ को सिलेक्ट करो एहा परे वर्तमान एथिरे फॉन्ट स्टाइल को चेंज करिबा पई एठारे क्लिक करी तुम्हें फॉन्ट रो साइज को एठारे परिवर्तन करि परिबो जो भली वीडियो रे देखा जाइछि से परि एबे फॉन्ट साइज ऑप्शन को जाई एठारे गोटे साइज सिलेक्ट करो। एहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो फॉन्ट रो साइज मध्ये बढ़ी जाइछि। एबे अंडू ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई तुम्हें तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार रे थिबा अंडू आइकन पाखो को नियो एवं गोटे थरो क्लिक करो जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। तुम्हें देखि परिबो तुम्हें शेषरे करिथिबा फॉर्मेटिंग अर्थात फॉन्ट रो साइज पूर्व अवस्था को आसी जाइछि। एबे सेही भली जदि आउ थरे तुम्हें अंडू आइकन उपरे क्लिक करूछ तबे तुम्हें देखि परिबो फॉन्ट स्टाइल जो परिवर्तन करिथिलो ता मध्य पूर्व अवस्था को आसी जाइछि। एही भली भाबरे तुम्हें अंडू ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो जदि तुम्हें पुनर्बार सही फॉर्मेटिंग गुड़ी को पाइबा पई चाहिबो तेबे तुम्हें रेडो ऑप्शन रो व्यवहार करिबो एथि पई एठारे थिबा रेडो आइकन उपरे थरे क्लिक करो तुम्हें देखि परिबो फॉन्ट साइज पुनर्बार परिवर्तन होई जिवो एवं जदि पुनर्बार आउ थरे रेडो आइकन उपरे क्लिक करूछ तेबे तुम्हें देखि परिबो फॉन्ट रो साइज मध्य बढ़ी जिवो जो फॉर्मेटिंग तुम्हें करिथिलो। एही भली भाबरे अंडू एवं रेडो ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो। परवर्ती ऑप्शन हेउची फॉर्मेट पेंट ब्रश रो अटे।
कौन तुम्हें कही परिबो फॉर्मेट पेंट ब्रश द्वारा कौन होई थाए फॉर्मेट पेंट ब्रश सहाय्य रे तुम्हें कौनसी लाइन किंबा पैराग्राफ रे होइथिबा फॉर्मेटिंग को अन्य जे कौनसी लाइन किंबा पैराग्राफ रे सही फॉर्मेटिंग को पुनर्बार लगाई परिबो आसो वर्तमान एही वीडियो को देखिबा एवं आमे फॉर्मेट पेंट ब्रश ऑप्शन को केमिति व्यवहार करिबा देखिबा वर्तमान स्टैंडर्ड टूल बार रो फॉर्मेट पेंट ब्रश आइकन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुमे कोटे लाइन किंबा पैराग्राफ को सिलेक्ट करो जो भले बे प्रथम लाइन टी को सिलेक्ट करा जाय छी यहाँ परे तुम्हारा कर्सर को स्टैंडर्ड टूल बारे थिबा फॉर्मेट पेंट ब्रश आइकन ऊपर को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर यहाँ परे तुम्हें जेउठारे सही फॉर्मेट को लगाया पई चाहू छ सही लाइन किंबा पैराग्राफ को सिलेक्ट कर जो भली वर्तमान एठारे एही लाइन टी को सिलेक्ट करा जाय छी एवं तुम्हें देखि परिबो यह सिलेक्ट करी सारिला परे एहारो फॉर्मेट तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन लो फॉर्मेट अनुजाय होई जाय छी एबे सही बोली आ गुटे लाइन को सिलेक्ट करो ता परे पुनर्बार फॉर्मेट पेंट ब्रश आइकन को क्लिक करो एवं या को नहीं तुम्हें चाहूथिबा आ गोटे लाइन को सिलेक्ट करो जो भले वीडियो रे इठारे ए लाइन टी को सिलेक्ट करा जाय छी यहाँ परे तुम्हें देखि परिबो यहाँ मध्य तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन लो फॉर्मेट अनुजाय होई जाय छी सही भले तुम्हें इठारे आ गोटे लाइन को सिलेक्ट करि परिबो जदि इठारे ए लाइन टी को तुम्हें सिलेक्ट करूछ एवं पुनर्बार तुम्हार कर्सर को नहीं इठारे फॉर्मेट पेंट ब्रश ऊपर क्लिक करो तापरे तुम्हें चाहूथिबा लाइन ऊपर या को नहीं अप्लाई करि परिबो जो भले इठारे करा जाय छी सेई भले तुम्हें आ गोटे लाइन को सिलेक्ट करो एठारे ब्लू कलर थिबा लाइन टी को सिलेक्ट करो एवं तुम्हारा कर्सर को नहीं फॉर्मेट पेंट ब्रश आइकन ऊपर गोटे थर क्लिक करो तापरे एठारे ग्रीन कलर लिखाई थिबा लाइन टी को सिलेक्ट करो एवं तुम्हें देखि परिबो एहार कलर मध्य ब्लू कलर होई जाय छी एवं सही फॉर्मेट अनुसार होई जाय छी एभली भावरे तुम्हें फॉर्मेट पेंट ब्रश आइकन रो व्यवहार करि परिबो परवर्ती ऑप्शन हाइपर लिंक रो अटे कौन तुम्हें जानी छो हाइपर लिंक द्वारा कौन होई थाए हाइपर लिंक ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम्हें तुम्हारा पेज रे फाइल पाई लिंक तैयारी करि परिबो हाइपर लिंक ऑप्शन सहाय्य रे तुम्हें गोटेरु अधिक फाइल को लिंक मध्य करि परिबो वर्तमान तुम्हें समस्ते जाओ एवं तुम्हें तुम्हारा राइटर पेज रे हाइपर लिंक को किपरि लगाइबो ताहा देखाओ जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे सिखिबा पई एही वीडियो को देखो वर्तमान स्टैंडर्ड टूल बार रो हाइपरलिंक आइकन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार थिबा हाइपरलिंक आइकन पाखो को नियो एवं गोटे थर क्लिक करो यह द्वारा तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एही ठारे तुम्हें डॉक्यूमेंट ऑप्शन ऊपर क्लिक करो यहाँ परे
एजर थिबा पाथ पाखर थिबा फाइल ऑप्शन उपरे गोटे थरो क्लिक करो तुम आगरे आ गोटे बॉक्स ओपन हेबो एई थारे तुमरा फाइल केउ जगह रे अछि ताहाकु तुमे खोजी एठारे अटैच करि परिबो एति पई तुमे एठारे ड्रॉप डाउन आइकन एति पई एठारे तुमे स्क्रॉल बार को व्यवहार करि परिबो एवं तुमे चाहुतिबा फाइल को सिलेक्ट करो तापरे एठारे ओपन लेखा जैतिबा ऑप्शन उपरे क्लिक करो एहा द्वारा हाइपरलिंक रे देबा पई चाहुतिबा फाइल टी अटैच होई जिवो एहा परे एठारे तुमे टेक्स्ट जगह रे किछि टेक्स्ट लेखि परिबो जे भली एठारे वीडियो रे कंप्यूटर शिक्षा टाइप करा जाय छि एबले भाबरे तुमे टाइप करि परिबो एवं जे नाम रे टाइप करिबो तहा सेही नाम रे हाइपरलिंक टी आसीबो एहा परे अप्लाई ऑप्शन उपरे गोटे थरो क्लिक करो यहाँ परे क्लोज ऑप्शन उपरे क्लिक करो यहाँ दर तुम्हें देखी परिबो तुम्हारा फाइल ले हाइपरलिंक आसी गई छी जे नाम रे तुम्हें दे थिलो कंप्यूटर शिक्षा जदि याकु ओपन करिया पई चाहू छ ई फाइल टिकु तेबे बाम हातर गोटी आंगुली रे कंट्रोल बटन को दबाई रखो ता परे एहा उपरे राइट क्लिक करो तुम्हें देखी परिबो हाइपरलिंक रे ऐड करितिबा फाइल टी हाइपरलिंक रे अटैच करितिबा फाइल टी ओपन होई जिवो एवं तुम्हें ताकु ओपन करी चेक करि परिबो एई बळी भाबरे तुम्हें हाइपरलिंक ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो आसो परवर्ती वीडियो को देखी स्टैंडर्ड टूल बार को तुम्हें केमिति लॉक किंबा अनलॉक करा जाए सिखिबा एवं एहा करिबा पई तुम्हें ऑप्शन को किपरी लुचाइबो किंबा देखाइबो ता देखिबा वर्तमान स्टैंडर्ड टूल बार को लॉक किंबा अनलॉक करिबा पई प्रथमे तुम्हें तुम्हारा कर्सर को स्टैंडर्ड टूल बार पाख को नियो एबे तुम्हें देखि परिबो स्टैंडर्ड टूल बार को तुम्हें इठारो कोनोसी जगह को नहीं परिबो नहीं कारण इठार तुम्हें ड्रॉप डाउन आइकन ऊपर क्लिक करो तुम्हें देखि परिबो इठारे टूल बार लॉक अछि जदि या ऊपर गोटे थरो क्लिक करूछ तेबे इठारे देखि परिबो तुम्हें बिंदु आसुछि एवं एहा ऊपर क्लिक करी तुम्हें स्टैंडर्ड टूल बार को तुम्हें चाहूथिबा जे कोनसी जागा को नहीं पारिबो जे भली वीडियो रे देखा जाय छी एबले भाबरे तुम्हें याकु जे कोनसी स्थान को नहीं पारिबो एवं सेही स्थान रे रखी पारिबो एवं जदि तुम्हें इठारे पुनर्बार ड्रॉप डाउन आइकन ऊपर क्लिक करूछ एवं एठारे लॉक टूल बार पोजीशन ऊपर क्लिक करूछ तेबे तुमे याकु आउ कोनोसी स्थान को नहीं परिबो नहीं से भले जदि तुमे फॉर्मेट टूल बार को चाहिबो एबे याकु मूव करि परिबो अर्थात जे कोनोसी स्थान को नहीं परिबो कारण एहा अनलॉक अछि जे भले वीडियो रे देखा जाय छि याकु जे कोनोसी स्थान को तुमे नहीं परिबो तुमे चाहुतिबा स्थान रे नै रखि परिबो एवं जदि तुम्हें पूर्व परि याकु लॉक करिबा पई चाहिबो तेबे एठारे ड्रॉप डाउन आइकन उपरे क्लिक करो एवं एठारे लॉक टूल बार पोजीशन उपरे क्लिक करो एहा द्वारा तुम्हें फॉर्मेटिंग टूल बार को मध्य कोनोसी स्थान को नहीं परिबो नहीं एई बळी भाबरे तुम्हें लॉक एवं अनलॉक करि परिबो टूल बार को परवर्ती ऑप्शन इंक्रीजिंग इंडेंट किंबा डिक्रीजिंग इंडेंट रो अटे कौन तुम्हें कही परिबो इंक्रीज किंबा डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन द्वारा कौन होई थाए
ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଏବଂ ବାମ ପାଖର ମାର୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ କମ୍ କରିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାରାଗ୍ରାଫ ବାମ ପାଖର ମାର୍ଜିନ୍ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାଖର ମାର୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ କମ୍ କରିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାରାଗ୍ରାଫ ଡାହାଣ ପାଖର ମାର୍ଜିନ୍ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିବା ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟୁଲ୍ବାର୍ର ଇନକ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କୌଣସି ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଟେକ୍ସଟ ପାଖରେ ତୁମର କର୍ସର୍କୁ ନେଇ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟୁଲ୍ବାର୍ରେ ଥିବା ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବାମ ପାଖର ମାର୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କମିଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଯଦି ତୁମେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଶବ୍ଦଟି ଡାହାଣ ପାଖ ମାର୍ଜିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାମ ପାଖରେ ମାର୍ଜିନ୍ର ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତେବେ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିବା ଭଳି ତୁମେ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ରଖିପାରିବ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଏବେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବାମ ପାଖରେ ସ୍ପେସ୍ ଆସିଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାମ ପାଖର ମାର୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଆସିଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏହା ବାମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫର୍ମାଟିଂ ଟୁଲ୍ବାର୍କୁ ଲକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ଲକ୍ କିପରି କରିବା ତାହା ଶିଖିବା ଏବଂ ଆମେ ଏହାର ଆଇକନ୍କୁ କେମିତି ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ କରିବା ତାହା ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁଲ୍ବାର୍କୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ନିଅ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ଏଇଠାରେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ଟୁଲ୍ବାର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଇଠାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟୁଲ୍ବାର୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇକନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆଇକନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟୁଲ୍ବାର୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଠାରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକ୍ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଟୁଲ୍ବାର୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ତାକୁ ଅନ୍ଟିକ୍ କରିବ ତେବେ ତାହା ଟୁଲ୍ବାର୍ରୁ ହଟିଯିବ, ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଟୁଲ୍ବାର୍ରୁ ତାହା ହଟିଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଏଠାରେ ତୁମେ ପିକ୍ଚର୍ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ ଏବଂ ଟୁଲ୍ବାର୍କୁ ଏବଂ ପିକ୍ଚର୍ରେ ଥିବା ଏଇଠାରେ ଆଇକନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛ ଏଠାରେ ତୁମେ ନାମ ଦେଇପାରିବ ଯଦି ଚାହିଁବ, ତାପରେ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଆସିବ। ଏବେ ଏଡ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟାଗୋରି ରହିଛି। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଟାଗୋରିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏଡିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛ ତେବେ ଏଡିଟ୍ର କମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠାରେ ଆସିବ। ଏଇଠାରେ ତୁମେ ଯାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଏବଂ ଏଡ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ତାହା ଏଠାରେ ଟୁଲ୍ ବାର୍ରେ ଏଡ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଭଳି
वीडियो रे देखा जाय छी। एबले भाबरे तुमे इठारे चाहुतिबा कमांड गुडी को सिलेक्ट करी ऐड करी परिबो। एबले गटे गटे करी तुमे ऐड करी परिबो एवं तुमे देखि परिबो ताहा इठारे आसी जाउ छी कमांड गुडी को। एबे ओके उपरे क्लिक कर, तुमे देखि परिबो एठारे गुटे नुआ टूल बार उपरे आसी छी एवं तुमे देथिबा आइकन गुडी को मध्ये इठारे आसी छी जो भले तुमे वीडियो रे देखि परुछो एवं तुमे इठारे हटाई थिबा आइकन गुडी को मध्ये इठारे हटि जाय छी जो भले तुमे देखि परुछो। सेई भले एठारे गोटे थरो क्लिक कर एवं ता परे कस्टमाइज टूल बार उपरे क्लिक कर। एबे फॉर्मेटिंग टूल बार रे थिबा आइकन गुडी को तुमे चाहिले हटाई परिबो जे गुडी को पूर्वरु टिक होइ रहि छि, जे गुडी को पूर्वरु टिक होइ रहि छि इठारे तुमे स्क्रॉल बार को व्यवहार करि परिबो एवं आवश्यक नथिबा आइकन गुडी को तुमे चाहिले इठारे हटाई परिबो। इठारे तुमे चाहुतबा आइकन को ऐड मध्ये करि परिबो। एबे ओके उपरे गोटे थर क्लिक कर, तुमे देखि परिबो तुमे इठारे हटाई थिबा आइकन गुडी को इठारे आसु नाही, बोल्ड इटालिक ए ऑप्शन गुडी को इठारे आसु नाही। एई परि भाबरे तुमे टूल बार को कस्टमाइज करि परिबो। आमे आजिरो क्लास एठारे शेष करिबा। तुमे समस्ते तुमरो राइटर रा फाइल को बंद कर एवं तुमरो कंप्यूटर को सठिक भाबरे बंद कर। आजिरो क्लास रे तुमे स्टैंडर्ड टूल बार कौन अटे ताहा विषय रे सिखिलो। तुमे स्टैंडर्ड टूल बार ऑप्शन गुड़िक विषय रे मध्य सिखिलो, जेमिति कि सेव, न्यू, ओपन, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, डॉक्यूमेंट एज मेल एवं हाइपरलिंक विषय रे सिखिलो। तापरे टूल बार को तुमे लॉक एवं अनलॉक किपरि करिबो ताहा सिखिलो एवं एहा सहित फॉर्मेटिंग बार रो किछि ऑप्शन गुड़िक विषय रे सिखिलो, जेमिति कि डिक्रीजिंग किंबा इनक्रीजिंग इंडेंट विषय रे सिखिलो एवं एहा पई ऑप्शन को लॉक एवं अनलॉक करिबा मध्य सिखिलो। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती।